हेलो बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी। ये कहानी एक छोटी सी मछली के बारे में है। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज। समुद्र में लाखों मछलियां हैं, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। लेकिन यह कहानी उनमें से एक मछली की है, जो उनमें से एक सबसे छोटी मछली है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. समुद्र में उस छोटी सी मछली के लिए सभी चीजें थी जिससे वह मछली अपने आप को संतुष्ट कर सकती थी, फिर भी वह खुश नहीं थी। You will laugh when I tell you why he was not. तुम्हें हंसी आएगी जब मैं बताऊंगी कि वह क्यों संतुष्ट नहीं थी, खुश क्यों नहीं थी। He was unhappy because he was so very small. वह इसलिए नाखुश थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। It is very hard to be such a little mite of a fish. He would say over and over again. बच्चों, mite का मतलब थोड़ा होता है। वह इतनी छोटी थी, इतनी थोड़ी सी थी, स्मॉल थी कि वह इस बात को बार बार बोलती रहती थी। If I were only larger, how much happier I could be. वह बोलती है कि अगर सिर्फ मैं थोड़ी सी बड़ी होती, सिर्फ बड़ी ही होती तो मैं कितनी खुश होती। And he said it so many times that I think he believed it. और वह इस बात को इतनी बार बोलती थी कि मुझे लगता है उसे इसी बात में विश्वास था। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for that for than he. स्कूल का मतलब बेटा यहाँ होता है झुंड, ठीक है। एक दिन वह अपने स्कूल में, मतलब कि अपने ग्रुप में तैर रही थी और सोच रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी मछलियों को उससे ज्यादा थैंकफुल, शुक्रगुजार भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि वे बड़ी हैं। वे सडनली विथ नो वार्निंग दी फाउंड देमसेल्व्स इन द मेसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। जब अचानक बिना किसी वार्निंग के वे अपने आप को एक बड़े से जाल में फंसी पाती हैं। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बींग इम्प्टीड इन टू द बोट। जब मछलियां जाल में फंस जाती हैं तो वो छटपटाने लगती है, आपस में फिसलने लगती हैं, जाल ऊपर खींचा जाने लगता है, इनटू द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में ऊपर खींचा जाने लगता है। सारी मछलियां जो जाल में खींची जाती हैं वो बोट पर नाव में इम्प्टी कर दी जाती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिंगल थ्रू द मेज एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। रिंगल मीन्स होता है छटपटाना, ठीक है। झुंड में जो सबसे छोटी मछली थी वह छटपटाती हुई जाल से स्लिप बैक हो जाती है, वापस पानी में फिसल जाती है और ठंडे ठंडे पानी में वह गिर जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, उसे कितना अच्छा लगा होगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वह यहाँ वहां और सभी जगह स्विम करती है। And some of the fish who knew him well as the rest of his life, और वह मछलियाँ जो उसे अच्छी तरह जानती थी जब तक वो थी, said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. उन्होंने उसे फिर कभी कहते नहीं सुना कि वह कुछ और होना चाहती है बजाय कि एक छोटी मछली के। मतलब कि नो, द फिश वॉज हैप्पी टू बी अ लिटिल वन, वह छोटी ही होना पसंद करती थी। ओके, न्यू वर्ड्स, मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख, फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग मीन्स मिट्टी में छटपटाना, मेसेज, मेसेज मीन्स जाल, हॉल, हॉल मीन्स घसीटना, कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट,
स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन्स छटपटाते हुए जाना। इम्प्टीड, इम्प्टीड मीन्स खाली किया गया। रिंगल्ड, रिंगल मीन्स छटपटाना। वार्निंग, वार्निंग मीन्स चेतावनी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।